ये स्टूडेंट्स, चलिए आज हम बात कर लेते हैं एक रेवोल्यूशनरी के बारे में जिन्होंने इटली यूनिफिकेशन के लिए एक रास्ता तैयार किया था। तो उससे पहले थोड़ा सा हम बैक में चलते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना, आपको याद होगा 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना होती है, और उसके बाद एक मोनार्कियल गवर्नमेंट जो है वो सभी स्टेट्स में आ जाती है। फ्रांस का एक्सपेंशन जो है वो रोक दिया जाता है। जर्मन कन्फेडरेशन जो है उसको बिल्कुल भी अनटच छोड़ दिया जाता है। तो वहाँ पर भी एक तरह से मोनार्कियल गवर्नमेंट इन सभी कंट्रीज़ में जो इसके आसपास थे उन सभी में मोनार्कियल गवर्नमेंट रहती है। और जो रेवोल्यूशनरीज हैं, जो सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, वो चाहती हैं कि जो अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में जो कंट्री को डिवाइड किया गया है, कंट्री का यूनिफिकेशन होना चाहिए, चाहे वो इटली हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड हो, कोई भी हो। और इसी के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई, उन्होंने अपना काम शुरू किया। कुछ ऐसे रिवोल्यूशनरीज आए जिन्होंने काम करना शुरू किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम पढ़ेंगे इटली यूनिफिकेशन में, जो इन्होंने बेस तैयार किया इटली की यूनिफिकेशन के लिए, जिन्होंने अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, तो उनका नाम आता है ज्यूसेपे मेजिनी। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये है इनकी बर्थ डिटेल, ज्यूसेपे मेजिनी, बोर्न इन 1805। आपकी बुक में 1807 दिया गया है और कुछ जगह पर 1805 भी है। तो कुछ ऑथेंटिक बुक्स देखते हैं तो 1805 भी आता है, आपकी बुक में 1807 दिया गया है। तो डजेंट मैटर, जो आपकी बुक में दिया गया है उसे ही आप करें। 1807 में इनका बर्थ होता है। उसके बाद ये यंग एज में एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी को ज्वाइन करते हैं। वो मोनार्कियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, वो मोनार्कियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्टिविटी करती है। तो मेजनी को लगता है कि मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए, वो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। और 1831 में 24 ईयर्स की एज में इन्होंने लुगेरिया, एक स्टेट है लुगेरिया, वहाँ पर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी की थी। तो 1831 में इनको देश से बाहर निकाल दिया जाता है। जो मोनार्कियल गवर्नमेंट होती है वो इनको देश से बाहर निकाल देती है। और ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं अपने जैसे लोगों को, जो इन्हीं के जैसा सोचते हैं, जो चाहते हैं कि कंट्री का यूनिफिकेशन होना चाहिए, चाहे वो इटली हो, चाहे वो जर्मनी हो। जिस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर इन्होंने फ्रांस में मर्सेल्स, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई यंग इटली के नाम से, यंग पोलैंड बनाया, यंग यूरोपियन बर्ने, यंग स्विट्ज़रलैंड, यंग जर्मनी। तो इस तरह से काफ़ी सारे कंट्रीज़ में इन्होंने अपने जो नेशनलिज्म का आइडिया है, जो यूनिफिकेशन का आइडिया है, वो स्प्रेड किया अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाकर। और मैटरनिक के बारे में आपने, यस, मैटरनिक जिन्होंने 1815 में जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट किया था। तो उन्हीं मैटरनिक ने ज्यूसेपे मेजिनी के लिए कहा था कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी एनिमी सॉरी एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि ये हमारे सोशल ऑर्डर के सबसे खतरनाक दुश्मन हैं। तो ये थे ज्यूसेपे मेजिनी के बारे में। हालांकि ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए थे इटली के यूनिफिकेशन में, इन्हें 1831 में कंट्री से बाहर निकाल। फिर 1848 में विक्टर इमैनुअल सेकंड जो है सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता है इटली के यूनिफिकेशन की। और उसका एक प्राइम मिनिस्टर है जिसका नाम है कैमिलो डी कावूर, जो आपने इटली यूनिफिकेशन में पढ़ा था। वो दोनों मिलकर काम करते हैं। और फिर 1861 में जिस तरह से विक्टर इमैनुअल सेकंड जो है वो अपने आप को, जो यूनिफाइड इटली है उसका एम्परर अपने आप को डिक्लेयर कर देता है।